हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और हमारे चैनल का नाम है स्किल बिहार नंबर वन। और एक और चैनल चलाता हूँ दोस्त मैं यूट्यूब पे, उसका नाम है चंडीमा टेक्निकल चैनल। और दोनों चैनल पे क्या है, टेक्निकल इक्विपमेंट पे मैं वीडियो लाता हूँ। देखिए, आज मेरे पास एक माइक्रोटेक का ऑनलाइन UPS है दोस्त, ठीक है। अभी इसके अंदर पहले प्रॉब्लम क्या है ये दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखिए इसमें मैं क्या है, पावर केबल को अगर लगाता हूँ, ये देखिए प्लग कर दिया। प्लग करने के बाद मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए ऑन हुआ। सबसे पहले प्रॉब्लम देखें, ये क्या है, इसका इनपुट एक तो कम आ रहा है, फिर ये क्या है, बैटरी का सिंबल आ रहा है और ये ऐसे एरर देता है और बाईपास लेता है और फिर से ये बंद हो जाता है। अगर कभी भी ऐसा कंडीशन आपके साथ आए तो आप क्या करें, सबसे पहले बैटरी का एरर है तो आपको बैटरी चेक करना है। देखिए बैटरी का परसेंटेज भी बिल्कुल ये क्या है, जीरो बता रहा है, ठीक है। तो या तो इसको सेलेक्ट करके आप इको मोड में लेके जाइए। इको मोड में क्या होगा कि डायरेक्टली बाईपास करके UPS को चलाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, CH लिखे और बैटरी वाला ब्लिंक हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो इसका DC to DC चार्जिंग कार्ड जो है वो बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है, या बैटरी को डेड हो गया है। देखिए अभी है तो ये नया, चलिए मैं इसको खोलता हूँ और देखता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप वीडियो में बने रहें और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले इसको पावर ऑफ कर दें, सेफ्टी इसमें फर्स्ट रखना है दोस्त। केबल निकाल देना है क्योंकि ये ऑनलाइन UPS है, इसमें अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो आपको दिक्कत भी हो सकता है। इसको मैं इस तरीका से क्या है, पहले सुला देता हूँ, ऑफ हो जाएगा थोड़ा देर में, मैं ऑफ कर दिया हूँ। और क्या करें, कोई भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से, देखिए मैं एक एक करके सब, ये देखिए पूरे को मैं क्या है एक एक करके पूरा स्क्रू जल्दी जल्दी मैं खोल लेता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए जितने भी स्क्रू लगे हैं इसको खोल ले। ये देखिए बॉस का एक स्क्रू ड्राइवर, बहुत ही अच्छा है ये देखिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको दूसरा साइड भी ये पलटा करेंगे और देखते हैं, यहाँ पे भी सेम है, एक दो एक, देखिए यहाँ पे मैं लाइट को बंद कर देता हूँ, इसे आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, अभी सही से नहीं दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, एक मिनट में हो जाएगा। ये देखिए ये निकल गया। उसके बाद क्या करना है, निकलने के बाद ये देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे दो स्क्रू, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको आराम से ये पूरा हमारा ओपन हो गया। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, डस्ट वगैरह ना जाए इसके लिए कंपनी इसको दे के रखा है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ और आपको ये देखिए यहाँ पे भी स्पार्क है। अब मैं क्या करूँगा, एक एक बैटरी को टेस्ट पहले करूँगा क्योंकि इसका अभी फॉल्ट क्या है, बैटरी का है। ये देखिए प्रोटेक्शन सर्किट है, ठीक है इसका, तो अभी तो हमारा इस सब का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, अभी मैं जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए एक मल्टीमीटर लीजिए, इसको आप DC मोड में सेट कीजिए। करने के बाद ये देखिए 10 वोल्ट, ये भी बैटरी डाउन है, ये 12 वोल्ट। अभी पहले मैं वोल्ट चेक कर रहा हूँ, फिर सब में लोड टेस्ट करेंगे। ये बैटरी हमारा डेड हो गया, फिर देखिए ये भी हमारा बैटरी डेड, ये बैटरी डेड, ये बैटरी डेड, ये भी बैटरी डेड हो गया, एक दो तीन बैटरी डेड हो गया। ये देखिए ये भी बैटरी हद तक चलने लायक है, लेकिन देखा जाए तो इसमें 6 बैटरी लगा है, ये 2 किलोवाट का होगा दोस्त, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, तकरीबन बैटरी एक बैटरी छोड़ के सब बैटरी ख़राब है। तो सबसे पहले मैं पूरे, कभी भी अगर इसका बैटरी चेंज करना है दोस्त तो पूरा पूरा बैंक आप चेंज करें, एक दो करने से क्या है आपको हमेशा से ऐसे ही दिक्कत परेशानी आएगा। तो चलिए पहले मैं बैटरी ले आता हूँ, मैं कुछ देर वीडियो को पॉज करता हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे,
फिलहाल ये बैटरी का मैं कनेक्टर को रिमूव करता हूँ। कनेक्टर रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, इसका वोल्ट टेस्ट करना है। तो वोल्ट तो मैं आपको टेस्ट करके बता दिया। इसको देखिए इस ट्यूजर की मदद से थोड़ा सा नागा सर, अभी देखिए ये निकाल दिया। अभी देखिए इसके अंदर बिल्कुल क्या है, फफूंदी टाइप का लगा हुआ है। अभी क्या करेंगे दोस्त, सभी का हमें कनेक्टर निकाल लेता हूँ। ये देखें टेढ़ा हो गया, आराम से निकाले। ये देखें पूरा मैं कनेक्टर पहले निकाल लेता हूँ। कनेक्टर निकालने के बाद अभी क्या करेंगे, एक एक काम में सबसे पहला आप काम करेंगे वोल्ट चेक करेंगे। वोल्ट के बाद क्या है, इसमें एम्पियर टेस्ट करेंगे। ये क्या होगा जब इस पर लोड देंगे, ये देखिए ये मेरे पास ये बल्ब है, ये देखिए कुछ नहीं है, ये देखिए कुछ नहीं है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक क्या है, नया सेल है। इसमें क्या है, पहले इसी में टेस्ट करता हूँ। देखिए इसमें ग्लो हो रहा है, बट अगर आप किसी में भी लोड टेस्ट करते हैं तो वोल्ट आने से कुछ नहीं होगा, इसके अंदर करंट भी होना ज़रूरी है। इसका मतलब पूरा का पूरा बैटरी आपका डेड है। चलिए अब मैं पूरा बैटरी बैक ही आपको रिप्लेस करके दिखाता हूँ। रिप्लेस करने से पहले ये कनेक्टर वगैरह को आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लें, क्योंकि ये कनेक्टर भी इसमें बहुत रस्ट जमा हुआ है। तो इसमें WD-40 की मदद से इसको एक बार आप पूरा क्लीन कर लें। अभी देखिए मैं बैटरी खोला हूँ दोस्त, किस तरीका से रस्ट बिल्कुल जमा हुआ है, ये देखें बहुत दिक्कत है। ये देखें ये टू साइड टेप है, ये देखिए मैं इससे क्या है, पहले इसको क्लीन कर देता हूँ। ये देखें ये सब बहुत रस्ट टाइप का, इसमें बहुत दिन से इसमें क्या है, क्लीन कोई बैटरी वगैरह खराब हो गया। सबसे पहले इसको क्लीन कर ले, नहीं तो क्या करेगा ये, दूसरा बैटरी को भी डैमेज करेगा ये। उसके बाद क्या करना है, मार्केट में देखिए ऐसा है कि आता है WD-40 इसको बोलते हैं दोस्त, ठीक है। इससे आप क्या करें, इसमें ये देखिए ये रियलिटी में क्या होता है ना, सर्किट पे इसको ना मारें, कोशिश करें कि जो अपना PCB वगैरह है इस पे इसको ना मारें। इससे मारने से क्या है, PCB वगैरह ख़राब हो जाएगा। जहाँ पे रस्ट वगैरह लगे हैं वहीं पे लगाएं, जैसे ये देखिए ये जंग को क्या है, रिमूव कर देता है। फिर क्या करेंगे, जितने ही कनेक्टर हैं हमारे, ये देखिए इतने सारे कनेक्टर हैं, इनमें भी एक एक बार इससे बिल्कुल ये साफ अच्छी तरीका से हो जाएगा। सब पे एक एक बार आप ये देखें, ये देखिए WD-40 है। इसको बाइक वगैरह वाला सब मैकेनिक रखता है, ये अच्छा है दोस्त। ये देखें हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीका से क्या है, साफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये केबल क्या है, थोड़ा रस्ट टाइप का है। इसमें हम क्या करेंगे, टेपिंग कर देंगे। कभी ऐसा खुला वायर ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें टेपिंग कर दें। देखिए इसमें मैं टेप मार देता हूँ, ये देखिए। अब चलिए मैं एक एक बैटरी को लगा के टेस्ट कर। देखिए कभी भी रस्ट ज़्यादा हो जाए ना, तो ऐसा एक ओमनी जेली आता है मार्केट में ऐसा पैकेट में, तो आप इसको क्या है, इसका सहारा ले सकते हैं। और क्या करें, जितने भी कनेक्टर हैं ना, कोशिश करें उनमें
ये पूरा लगा दें, इससे क्या होगा, ये जो रस्टिंग का प्रॉब्लम है ये आपको दूर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके मैं अभी फिलहाल बैटरी लगाता हूँ। अभी क्या करेंगे, इसको ये देखिए, इसको मैं निकाल लेता हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ओरिजिनल बनाता हूँ दोस्त, कभी फेक नहीं बनाता हूँ, किसी का कॉपी पेस्ट वगैरह भी मैं नहीं करता, जो भी होता है मेरा ओरिजिनल ही होता है। अभी देखें इसको, ये पूरा मैं रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि ये पहले से इस पर कंपनी शायद साट के रखा होगा लेकिन किसी ने इसको निकाला नहीं। अभी देखिए सब पूरा पूरा न्यू बैटरी है। चलिए मैं एक एक करके इसमें डालने की कोशिश करता हूँ। एक ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल सटा के रखते हैं, एक दो, ये प्लस माइनस फिर आपका हो गया प्लस माइनस। फिर क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए, ये भी आपका हो गया माइनस प्लस, फिर हो गया आपका ये प्लस, ये माइनस, और हमारा यहाँ से हमारा निकल गया माइनस। अभी यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब क्या करेंगे, ये करने के बाद सबसे पहले देखिए इसको लगा लें, एक हमारा यहाँ था, अब देख लेंगे ये कहाँ वाला है, कहाँ पे फिट बैठ रहा है। इसको लगाने का क्या है दोस्त, बैटरी आपका सही से हिले डुलेगा नहीं। अभी देखिए फ्रेंड्स मैं क्या किया, पूरा बैटरी को लगा लिया, टाइट कर दिया। अभी क्या करेंगे, ये जो मैं आपको बोला ओमनी जेली, ये सिविल में मिलता है दोस्त, इसको कभी भी कहीं से भी आप लेके आ सकते हैं दुकान से, ठीक है। इसका पाउच भी आता है और कोई कोई बैटरी में ये फ्री भी देता है, एक साइड में तो देता नहीं है। तो ये देखिए इसको मैं क्या इस तरीका से अप्लाई कर देंगे, और क्या करेंगे, जितने भी आपके कनेक्टर हैं उन्हें कनेक्टरों में भी आप इस तरीका से लगा दें, ठीक है, अच्छी तरीका से लगा लें। इससे क्या होगा ना, इसके अंदर रस्ट कभी भी लगेगा नहीं। तो चलिए अब मैं इसको एक एक करके कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये आराम से कनेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा भी, सब में आप लगाएं। अभी देखिए मैं पूरे बैटरी को लगा दिया और अच्छे से ओमनी जेली वगैरह भी मैं सब में क्या अप्लाई कर दिया हूँ। अब चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ, सबसे पहले इसका वोल्टेज टेस्ट करना है ये कितना आ रहा है, फिर ऑन करके टेस्ट करेंगे। जैसे कि देखें अभी मेरा क्या है 76 बता रहा है, देख सकते हैं। तो आप इसमें काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 बैटरी है, तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। बट 76 इसलिए बता रहा है दोस्त, जब बैटरी हमारा अच्छा रहता है ना तो 12 वोल्ट की जगह कोई 13 वोल्ट भी रहता है, तो समझिए कि हमारा अभी ये ओके है। अब चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ। अभी तो ये कितना बताया, देखिए आपके सामने जो भी है, ये ऑन होने पर ना थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा बताना चाहिए। ये देखिए कितना आ रहा है, अभी ये 76 आ रहा है। तो चलिए इसमें मैं एक बार पावर देता हूँ और ऑन करता हूँ और देखते हैं ये इधर गया या नहीं गया। अभी तो आपके सामने जो भी है मैं लाइव ही कर रहा हूँ। ये देखिए पावर दे दिया मैं, पावर देने के बाद आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ इसका फ्रंट पैनल। देखिए इसको मैं करता हूँ ऑन, ये देखिए ऑन हो गया, और फिलहाल देखिए बैटरी इधर ख़त्म है, ये देख सकते हैं बैटरी, ये थोड़ा देर में ऑन हो जाएगा, आउटपुट नहीं दे रहा है ये देखें अभी आउटपुट भी देना शुरू कर दिया दोस्त। और ये हमारा एरर अभी ये बता रहा है कि बैटरी आपका फुल चार्ज नहीं है, ठीक है। ये देखिए अब मैं देखता हूँ बैटरी कोई चार्ज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो कैसे पता चलेगा,
पहले 78 था, अब देखते हैं। ये देखिए 86 बता दिया तुरंत, 72 से कितना हो गया 86, यानी कि बैटरी को चार्ज कर रहा है। और हमारा ये UPS क्या है दोस्त, रिपेयर हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरीका से देखिए लाता हूँ। अब देखिए इसका सब कुछ, ये तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बैटरी परसेंटेज और अपने बताने लगा, ये आउटपुट भी हमारा सही हो गया। बस इसको कुछ देर तक रखेंगे तो ये क्या होगा, बैटरी परसेंटेज भी फुल हो जाएगा और ये UPS हमारा रेडी हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्त, मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।